देश के अंदर याद रखने का काम दीतिया जी के उपाध्याय जी के स्मारक के द्वारा आज इतना बड़ा काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस स्मारक के लोकार्पण के कार्यक्रम के अंदर और आपके इस भव्य कार्यक्रम के अंदर आपके वहां का समर्पित किया और आप लोगों के साथ मुलाकात करने का ये समय निकाला। बूथ सम्मेलन के इस अवसर पर हम आप और सब और की आप सब की ओर से मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहूंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आपको मालूम है महीना हो गया। पंडित दीनदयाल जी की प्रेरणा और आदरणीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व के कारण हर तरफ चारों दिशाओं के अंदर हमारा कमल ही कमल खिल रहा है। कितनी बड़ी बात है कि इतने छोटे से समय के अंदर इतना बड़ा काम करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। याद तो करेंगे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने इस देश के लिए समर्पित किया है और इसी तरीके से एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किया है। इसको एक विश्व का सबसे बड़ा दल बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी को जाता है, जिन्होंने वाकई में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक स्वरूप देके हमारे सबको गौरवान्वित करने का काम किया। इस बूथ सम्मेलन में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से स्वागत करना चाहती हूं और हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आदरणीय अध्यक्ष जी का हमको सबको मार्गदर्शन मिलेगा। चुनाव का एक बहुत ही निर्णायक समय भाई और बहनों हमारे पास आ गया है और आप लोग सब जानते हो कि बूथ ही है वो जहां से मजबूती निकल के आती है और जिस मजबूती के द्वारा हम पूरे राजस्थान को काबिज कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है, पिछले इलेक्शन के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने यात्राएं निकाली परंतु वो यात्राएं कुछ भी नहीं थी आप लोगों के बिना। मैं उन लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूं जो यहां नहीं भी हैं, जिन्होंने इस यात्रा के अंदर पूरी तरह से भव्य तरीके से अपना साथ दिया। लोग गंगानगर से आके उन्होंने हाथ बटाया आपके चुरू के अंदर, आपके चुरू के लोगों ने हाथ बटाया आपके दूसरे क्षेत्र के अंदर। मैंने इस तरीके से सब पूरे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पे जहां जहां मीटिंग हो रही थी वहां वहां जाके दो दो तीन तीन चार चार दिन अपना समय दे देके बूथ के अध्यक्षों के बीच में जाके शक्ति केंद्रों को आगे बढ़ा के उनको एक मजबूती के साथ वहां पेश होने का काम किया। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि जीत का आधार हमारी बूथ है, हम इसको हमें सबको इसको मानना पड़ेगा और इसी आधार को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी इस वजह से सकती है क्योंकि हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ मजबूत है, हमारा जमीनी आधार मजबूत है, इसलिए कांग्रेस कुछ भी करे वो इसके आगे नहीं बढ़ सकती। अब आपने देखा होगा जब हम लोगों ने चालू किया बूथ के कार्यक्रम भी हम लोगों ने चालू किए, जब हम लोगों ने यात्रा चालू की तो इन लोगों ने भी अपना क्या उसका गौरव अपना गौरव अपना अपना बूथ अपना गौरव नाम भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम कौन सा बूथ था क्या बूथ था किसी को नहीं मालूम था, परंतु उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही तो अपने को भी इसमें कुछ तो सही बात होगी और इसलिए इसको लेके भी उन्होंने करने की कोशिश की। उस बूथ सम्मेलन सो कॉल्ड जिसमें क्या हुआ वो आप लोग सबके सामने है, किसी से बात छिपी नहीं है और आज भी अपन यात्रा कर रहे हैं तो ये लोग संकल्प यात्रा करने की बात कर रहे हैं। हम लोग हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हम लोग एक एक एमएलए के क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक संभाग के 25, 30, 40, 45 एमएलए के जो क्षेत्र हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करके उनमें भीड़ को लाके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि कार्यकर्ता ने आके अपने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ये चुनाव के पहले कभी बाहर निकल के आते नहीं है। चार साढ़े चार साल निकल गए भाइयों, आपने सब लोगों ने ये देख लिया कि साढ़े चार साल में इनकी आवाज ही नहीं सुनी। दो विधानसभा तो ऐसे विधानसभा थे जिसके अंदर मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अशोक गहलोत को सामने बैठे हुए देखा, परंतु कभी भी ना तो अटेंड किया और ना कभी किसी कार्यकर्ता के लिए, ना किसी किसान के लिए, ना किसी महिला के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाने का काम किया। जब चुनाव का समय आ जाता है तो ये अपने अपने बिलों से निकल के आ जाते हैं और तीन महीने पहले लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जो हमारा बैठा हुआ है, वो शक्तिवान ताकतवान कार्यकर्ता हमारा बैठा है और इस शक्तिवान ताकतवान कार्यकर्ता को ही नींव बनाते हुए हमको आगे, जिस तरीके से अपन ने पिछले चुनाव में किया था, यहां तक कि यात्रा हमने की, परंतु हमने जब अपने टिकट्स भी दिए तो हमने जब तक हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं की थी तब तक उस लेवल तक अपन पहुंचे भी नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने इतना माना कि हम अपने कार्यकर्ताओं की बात को सुने बिना आगे बढ़ नहीं सकते। आज भी हम आपके सामने आए हुए हैं। मैं मानती हूं कि बूथ की बीज अगर आपको यहीं से अच्छी तरह से लगा जाते हो तो सरकार बनने का वट वृक्ष बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं समझती हूं कि कोई भी चीज है आपके सामने जो इस चीज को रोक सकता है। बस हाँ, हम लोगों को यह तय कर लेना है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी की बात को न सुनते हुए हमारे बूथ अध्यक्षों को इकट्ठा करके, हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता है उनको इकट्ठा करके, उनके एक एक सम्मेलन करके अगर जोरदार तरीके से हम अपना काम कर लेंगे तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आके वो काम कर जाएंगे जो ये कभी नहीं कर पाए। इसलिए आज मेरा ये है, हर बूथ भाजपा का, हर यूथ भाजपा का, इसका हमने बहुत दफा सुन लिया है। एक बूथ 10 यूथ, एक बूथ 11 यूथ, ये सब सुन लिया है। हमको इसमें स्लोगन नहीं देना है, हमको इस बार अपना मान के इस चुनाव को लड़ना है, क्योंकि एक बार के लिए हमें इसको तोड़ने की जरूरत है। राजस्थान के अंदर गाड़ी पटरी पे आ गई है। हमने गुजरात को देखा है, हमने मध्य प्रदेश को देखा है, हमने छत्तीसगढ़ को देखा है। आपने देखा है कि जब 20-20 साल इनको मिले तो कितने पुरजोर ताकत से वहां की भाजपा सरकार खड़ी हो गई, और आपने ये भी देखा कि कितने जोरदार तरीके से उन सरकारों ने अपना काम करके जनता को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? करते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मेरा हाथ ऊपर करके बताओ कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कहीं पीछे नहीं है। हम भी आज अध्यक्ष जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम अध्यक्ष जी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा है। आज बुखार के बारे बाद भी अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो क्या आप लोग हाथ ऊपर होकर के ये नहीं कहेंगे कि हाँ, हम लोग एक एक व्यक्ति 10 व्यक्ति के बराबर आपके सामने बैठे हुए हैं, है कि नहीं?